से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से चढ़कर उस घर तक जाता है और वहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये जाली टाइप का जो बना हुआ है ये बाहर से है। और जब सावन का माह होता है अभी तो अभी भी बाहर से ही लोग चढ़ाई करके पूरा वो जो आप रूम देख रहे हो वो पीछे जो है उसमें 10 चक्कर लगाया जाता है और उसके नीचे भी है, उसके नीचे जो जिस जहाँ पे है कुछ लोग खड़े हैं तो वहाँ पे भी 10 चक्कर लगाया जाता है और फिर जाके बाबा का दर्शन हो पाता है। सावन के महीने में तो पूरा मंदिर का राउंड लगवाया जाता है, इतना भीड़ होता है तब जाके बाबा भोलेनाथ मिलते हैं। अभी तो खैर सुबह का टाइम तो भीड़ तो कमी था, हम ही लोग मतलब हमारे गांव के जितने लोग आए थे और सहरसा के भी लोग आए थे कुछ मिले हुए थे तो बस यही दो जगह के थे तो भीड़ तो कमी था तो जल चढ़ा दी आसानी से। और यहाँ पर से घूम के फिर नीचे देखो बना हुआ है, नीचे से रास्ते से जाता है वो जाते हुए फिर मंदिर की ओर जाना पड़ता है। तो मतलब कि बहुत ही घुमाव है। विनती है कि जब भी आप लोग चाय पियो तो इसी मिट्टी के बर्तन में लेके पियो, क्योंकि आपको पता ही है प्लास्टिक के बर्तन में गर्म चीज़ पीने से क्या होता है। तो ये है शिवगंगा जहाँ पे जितने भी कांवड़िया लोग जो आते हैं यहाँ पे पहले स्नान करते हैं तब उसके बाद जल चढ़ाते हैं। देख लो जो